अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हुए हैं सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क अगर आप न्यूयॉर्क से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं तो आपको पता है कि सेंट्रल पार्क जो है न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी सी एक जगह है। सही है, बीचों बीच बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी जगह है, तो उसको सेंट्रल पार्क कहते हैं। सेंट्रल पार्क जो कि बेसिकली 850 एकर्स पर बना हुआ है और बहुत बड़ा पार्क है। इसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम है चाहिए। अंदर आपको साइकिल्स मिल जाती हैं, हॉर्स राइडिंग हो जाती है, आपको छोटे कार्ट्स मिल जाते हैं जिसके आगे साइकिल लगी होती है, आप वो लेकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी तो हम फ़िलहाल बाय फुट इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल पार्क में आपको काफ़ी खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो अगर आप आ रहे हैं पूरा दिन स्पेंड करने के लिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। लोग जो है अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं और जॉगिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ, कुछ बुक्स रीड कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक खाने पीने का एरिया बनाया है, आप यहाँ बैठ कर खाने पीने करें अपने, और गिफ्ट शॉप भी है अंदर, तो अगर आपने कुछ गिफ्ट आइटम्स लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरे पीछे जो आप लेक देख रहे हैं ये पूरी जमी हुई है, पूरी फ्रोजन लेक है ये। जब आप सेंट्रल पार्क आते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप न्यूयॉर्क में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कंट्री साइड पे हैं, क्योंकि हर तरफ दरख्त हैं और हर तरफ हरियाली है। अभी बारिश हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है ये सेंट्रल पार्क। आज तो वैसे थर्सडे है, तो अगर आप हफ्ते इतवार को आएंगे तो यहाँ चलने की जगह नहीं मिलेगी आपको, इतने लोग होंगे यहाँ पर, और ज़्यादातर मोस्टली टूरिस्ट होते हैं। दो तीन घंटे के लिए वो आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, फिर निकल जाते हैं। कार्ड्स मिल जाती हैं आपको, आप इसके अंदर इनको ये मुखा 20-25 डॉलर लेते हैं ये, और आपको जो है ये पूरा टूर करवा देते हैं यहाँ का। ये अगर आपको टूर इस पर करना है तो ये आपका 30 मिनट से 60 डॉलर चार्ज करते हैं ये, और आपको सेंट्रल पार्क का थोड़ा बहुत टूर करवाते हैं। ये एक साइकिल खड़ी हुई है यहाँ पर, ये दूसरी साइकिल खड़ी हुई है। चलें अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने भी अपना पोर्ट्रेट बनवाना है तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर रहे थे अंकल।
विंटर्स में यहाँ पर आइस स्केटिंग भी होती है। अभी देखते हैं हो रही है शायद, नज़र आ रहे हैं यहाँ से, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आइस स्केटिंग का एक उन्होंने जगह बनाई हुई है, उसी तरफ जा रहे हैं हम। चलें अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ कल होना हो मूवी का जो सॉन्ग है वो शूट हुआ था। यहाँ पर यहीं पर खड़े हुए थे शाहरुख खान। अभी शाम का टाइम हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं है, बस समझे कि सनसेट होने वाला है, आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा। अभी बज रहे हैं तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और 4:15 बजे सनसेट हो जाता है यहाँ पर। चलो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।